तो गाइज हम लोग होटल पहुंच गए हैं और जैसा कि हम लोग होटल आए हैं किस तो गाइज हम लोग होटल पहुंच गए हैं और किस चीज़ से आए हैं ये देखने के लिए आप हमारे पिछले ब्लॉग में जाइएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर सीधे हमारे भगवान जी से भेंट हुआ। और गाइस बता दूँ कि ये होटल हम लोग ऑनलाइन बुक किए थे और ये फुली एसी है, गर्मी का दिन था इसलिए सोचे कि फुली एसी कर लेते हैं तो ये अच्छा हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग ट्रेवलिंग तो कर रहे थे तो गर्मी, क्योंकि वो होटल आएंगे तो रात में सोएंगे थोड़ा सा ठंडक महसूस होगा, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग एसी कर लिए। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. तो हम रूम के अंदर आ गए हैं और रूम के अंदर का आपको सीन दिखाते हैं। ये डबल बेड का रूम है गाइस, ये देख सकते हैं। और इसी के ठीक सामने ये एसी है और यहाँ पर ये टीवी है, एलईडी टीवी। और ये देखिए ये पंखा के बगल में ये दो लाइट ऊपर में लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सामने में शीशा दिया हुआ है जिसमें आप अपना सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। और ये देखिए गाइस, इसके ठीक ऊपर ये लाइट है ताकि चेहरा पर लाइट अच्छा से ग्लो हो। और ये देखिए, ये ऊपर में भी लाइट दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि रूम में एक फ्रिज भी दिया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर एक अलमारी भी दिया हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर आप कपड़ा वगैरह आप यहाँ पर टांग सकते हैं। तो गाइस रूम काफ़ी अच्छा है और आज कुछ दिन मैं कलकत्ता में इसी रूम में रहूँगा। तो गाइस अब हम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो गाइस शाम हो गया है और अभी हम लोग थोड़ा देर रेस्ट किए थे। तो अभी क्या है कि अभी भाई और मम्मी जा रहे हैं केक लाने के लिए, केक कटिंग होगा अभी, तो जा रहा है भाई। भाई और मम्मी आ गए हैं केक लेकर। तो अभी केक कट होगा, तो उससे पहले मेरी मम्मी ने एक मेरे लिए टी शर्ट लाए हैं गिफ्ट में और एक ट्राउजर लाए हैं, तो वो पहनकर केक कट होगा। तो गाइस मम्मी ने ये टी शर्ट लाया है गिफ्ट में और ये एडिडास का ट्राउजर लाया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं केक कट करने। तो अभी हम लोग आ गए वापस होटल में और अभी हम लोग केक कट करेंगे। और पीछे मेरा भाई तैयार हो गया केक कट करने के लिए। पहली बार है जो ये घर से बाहर नहीं, पूरे बिहार से बाहर बर्थडे मना रहा है, तो कैसा लग रहा है? पहली बार हो रहा है, हम बहुत खुश हैं। और ऐसा हर साल हो तो और अच्छी बात है। तो इस तरह का हमारा पाइनएप्पल केक है जो अभी कट होगा। हम लोग कलकत्ता में बर्थडे मना लिए, ये मेरा पहला बर्थडे था कलकत्ता में और ऐसा पहली बार हुआ जब हम बिहार से दूर किसी राज्य में हम बर्थडे मनाए हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जो हमारे इस बर्थडे पर विश किए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमें बर्थडे विश किए थे आई थिंक हम सबको वो रिप्लाई दे दिए हैं, थैंक यू। ऐसे भी हम वीडियो के माध्यम से जिनको
रिप्लाई नहीं दे पाए उनको भी थैंक यू हम बोलना चाहते हैं। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपना फोटो वगैरह डालता रहता हूँ। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम जा रहे हैं सोने का तैयारी कर रहे हैं, तब चलते हैं सोने। तो गाइज कलकत्ता में काफी तेज बारिश हो रही थी तो हम लोग एसी रूम में सो रहे हैं, तो हम लोग ये रजाई ले लिए हैं ताकि ठंडा न लगे। चलो सोते हैं भाई, पहले इसको नीचे तक करते हैं। चलो